Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum everyone. How are you all? Hope aap sab enjoy kar rahe honge aur aap log meri videos bhi dekh rahe honge. Mere dishes jo maine apne channel pe upload ki hain, aap log wo bhi dekh rahe honge aur saath saath banane ki koshish bhi kar rahe honge. Aaj main aap logon ke liye bahut hi unique si cheez lekar aayi hu, जो कि है पिंक टी, कश्मीरी चाय जिसको कहते हैं. कश्मीरी चाय नॉर्मली लोग बहुत ज़्यादा बाहर से पीना पसंद करते हैं, घर में बनाने की लोग इतना ट्रबल लेते नहीं हैं. सो आई थिंक इट्स इवन मोर ईजियर टू मेक इट एट होम देन टू गो आउटसाइड एंड हैव कश्मीरी चाय. सो लेट्स स्टार्ट. बहुत ईजी तरीका है, बहुत ही क्विक और आसानी से बन जाती है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इन्ग्रीडियंट्स. नाजरीन, ये आप देख सकते हैं, मैं आपको वन बाय वन इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी जो कि हमें पिंक टी बनाने के लिए रिक्वायर्ड होंगे. सबसे पहले मैंने वन टेबलस्पून ऑफ पिंक कश्मीरी टी है, जो कि आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं, नॉट स्पेसिफिकली किसी स्पेसिफिक ब्रांड की आपने लेनी है. कोई भी ब्रांड अवेलेबल जो आपके पास कहीं पर भी शॉप पर चेक कीजिएगा मिल जाए, आप वो यूज़ कर सकते हैं. बट डू कीप इट इन माइंड कि जब आप पत्ती पानी ठंडे में भी डालते हैं ना, तो वो हल्का सा डार्क रेडिश शेड देना शुरू हो जाता है. सो वो असल पत्ती होती है. और हमें चाहिए ये स्टार, जो बादियान का फूल इसको कहा जाता है उर्दू में, ये हमें चाहिए. और हमें बेकिंग पाउडर चाहिए. मैंने इन तीन चीज़ों को बोल्स में डाल के रख लिया है. ये हमारे पास पिंक टी है 1 टेबल स्पून. ये हमने 2 स्टार्स ले लिए हैं, बादियान के फूल 2 ले लिए हैं, और ये हमने बेकिंग पाउडर ले लिया तकरीबन 1/2 टीस्पून. और हमें ये एक बड़ा मग, आप साइज़ देख सकते हैं, आप बड़ा जिस हिसाब से आपने बनानी है. मैं ये एक बड़ा मग है इतने साइज़ का, ये मैं फुल मग ले रही हूँ, ठीक है. तो अब हमें एक पैन चाहिए होगा. मैंने ये पैन ले लिया और इसको मैं स्टोव पे ऑन करने से पहले मैं इसके अंदर पानी डालूँगी, ठंडा पानी. ये मैंने पानी डाल दिया. इसी ठंडे पानी में आपने पत्ती भी डालनी है, जो कि 1 टेबल स्पून है. ये आप देख सकते हैं कि इसका हल्का हल्का रेडिश कलर जो है वो पानी के अंदर आ गया है. सो ये सबसे अच्छी पत्ती होने की निशानी है. ये मैंने 2 स्टार्स डाल दिए हैं, आपकी मर्ज़ी, आप 1 डालें या 2 डालें. और ये मैंने बेकिंग पाउडर जो है 1/2 टेबल स्पून इसमें मिक्स करके, ये मैंने इसमें बेकिंग पाउडर भी डाल दिया. सो अब हम स्टोव ऑन करेंगे और पहले थोड़ी देर हमने इसको हाई फ्लेम पे गरम करना है. जब पानी थोड़ा सा उबलने लगे तो हमने इसका मीडियम फ्लेम कर देना है. और मीडियम फ्लेम करने के बाद हमने इसके अंदर छोटी इलायची 1 डालनी है. ये भी आप देख सकते हैं, जब हल्की सी बॉयल होगा पानी तो मैं इसके अंदर 1 इलायची डाल दूंगी, वो भी सिर्फ खुशबू के लिए, 1 या 2 इलायची जस्ट स्मेल के लिए, बहुत नाइस स्मेल आती है. ये अब आप देख सकते हैं हल्की हल्की पानी थोड़ा सा गर्म हो गया है. तो अब मैंने 2 इलायचियाँ, वो एक बहुत ये छोटी वाली इलायची हैं, तो मैं ये 2 छोटी डाल देती हूँ. ये मैंने इसके बीच में डाल दिया. अब आप देख सकते हैं कि ये पानी अब थोड़ा सा उबलने लगा है, तो मैं इसका नॉर्मल फ्लेम कर दूँगी इस तरह, इतना. और अब इस पे ये पकती रहेगी और इतना पकाना है कि ये सिर्फ 1/2 मग रह जाए. लाइक जितना बड़ा मग मैंने ये लिया था, इसका ये आधा हिस्सा इतना सा रह जाए, उतनी हमने इसको पानी को पकाना है. अब ये देखिए व्यूअर्स, ये मेरे पास 1/2 मग ही रह गया, जो कि पकने के बाद, मैंने 1/2 मग रहने के बाद अब मैं क्या करूँगी कि मैं इसके अंदर 1/2 मग ठंडा पानी का, उतना ही जो 1/2 मग है ठंडे पानी का डालकर इसको बीट करूँगी. आप बीट भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको जिस तरह 2 देचके होते हैं उनके अंदर भी बीट कर सकते हैं, जैसे डालें, मिक्स करें बार बार दोनों जो बोल्स हैं
उनमें भी आप मिक्स कर सकते हैं, बट ज़्यादा बेटर है, प्रेफरेबल है कि आप बीटर यूज़ कर लें। बीटर से यह थोड़ी सी झाग बनेगी और जो चाय की रंगत है वो और ज़्यादा निखरेगी और चेंज हो जाएगी। सो लेट्स डू इट। हम बीट भी कर लेते हैं, हमें पानी भी डाल के तो हम बीट कर लेते हैं। बीटर आप जिस तरह बेटर समझते हैं, आप बीट करना चाहते हैं तो आप बीट कर लें, आप अगर इसको मिक्स करना चाहते हैं दो मग्स में या दो बोल्स में तो आप वैसे भी कर सकते हैं। आपको एटलीस्ट 10 to 15 टाइम्स इसको दोनों मिक्स बोल्स में मिक्स करना होगा। पहले आप एक बोल में डालें, फिर आप दूसरे बोल में डालें, उससे होता है बीट हो जाती है। अगर किसी के पास बीटर नहीं है तो वो ये काम कर लें जो दो बोल्स वाला है, और अगर किसी के पास बीटर है तो वो बीटर से कर ले, ईजी काम है। हम लेट्स डू इट, फिर मैं आगे आपको प्रोसीजर समझाती हूँ। ये आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना अच्छा सा मैरूनिश पिंक हो गया। ये मैंने व्यूअर्स इसको अब बीट कर लिया है, और अब बीट करने के बाद मैं इसको जो मैंने आपको दोबारा रिपीट करके बता देती हूँ कि जो मैंने आधा मग बचा था पकने के बाद, जो मैंने चाय का पानी पकाया था उसमें मैंने उतने ही अमाउंट का आधा पानी ठंडा डालकर इसको बीट किया, अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। मिक्स इस तरह किया कि आपने फेंटना है, फेंटना मीन्स बीटिंग करनी होती है। आपने जो पानी है ना उसको आप बीटर से बीट कर सकते हैं। अब हम ये जो पानी डाला हुआ है जो मिक्स कर चुके हैं, इसको हमने थोड़ी देर बॉयल करना है। जब ये बॉयल हो जाएगा तो हमने जितना पानी इन द बिगिनिंग लिया था 1 mug, उतना ही हमने इसके अंदर दूध डालना है। याद रहे ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जितना इन द बिगिनिंग पानी यूज़ करते हैं, चाहे आप 10 बंदों के लिए बना रहे हैं चाहे 20 के लिए, ये बात आप याद रखिएगा कि जितना आपने इन द बिगिनिंग पानी लिया होगा उतना ही आपने आखिर में दूध यूज़ करना है। और लेट सपोज आपने 2 glass ऑफ वाटर लिया है, 2 mug ऑफ वाटर या 2 cup ऑफ वाटर, तो आपने आखिर में उतना ही 2 cup ऑफ मिल्क भी यूज़ करना है। पर जब आप 2 cup ऑफ वाटर यूज़ करेंगे तो जो आपकी पकाएंगे आप पानी उसको, जो पिंक टी की सारी इंग्रेडिएंट्स डाल के, तो आपने ये याद रखना है कि उस अमाउंट के आधे हिस्से में आपने उसको आधे हिस्से तक पकाना है, और फिर उतने ही आधे हिस्से में आपने रिक्वायर्ड ठंडा पानी सेम अमाउंट का डालना है जितना आपका बचा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एग्ज़ाम्पल इसलिए दे रही हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। आपने अगर 2 cup ऑफ वाटर यूज़ किया है तो आपने उसको इतना पकाना है कि वो 1 cup ऑफ वाटर बच जाए, और उसमें आपने 1 cup ऑफ कोल्ड वाटर डाल के बीट करना है। सो हमारा पानी बॉयल होने लगा है, अब हम वेट करते हैं कि ये थोड़ा सा बॉयल प्रॉपर हो जाए। तो हम 1 mug ऑफ, मैं मग यूज़ कर रही हूँ, बड़ा मग है इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ मग। अगर आप कप यूज़ कर रहे हैं तो आप कप बोलें, अगर आप ग्लास यूज़ करें तो यू शुड यूज़ ग्लास ऑफ वाटर मिल्क। सो आई एम यूजिंग मग, सो आई एम गोइंग टू यूज़ 1 mug ऑफ मिल्क एट द एंड व्हेन माय वाटर विल गेट बॉइल्ड। अब आप देख सकते हैं कि इस पानी, इसको भी उबाल आ गया, बॉयल होने लगा पानी। तो अब मैंने ये 1 full mug जितना मैंने पहले पानी लिया था फॉर मेकिंग चाय, इतना ही मग मिल्क का मैं ले रही हूँ, और वो मैं इस बॉइलिंग वाटर में डाल दूँगी हमारी पत्ती की जो मसाला बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये अब हमारी पिंक टी रेडी है। और अब हम हसबे ज़रूरत जितनी शुगर आप लोगों को रिक्वायर्ड हो, मैं इसमें 2 tablespoons शुगर डालूंगी, थोड़ी सी ज़्यादा कर देते हैं। और अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी, और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट कलर हमारा पिंक टी का आ चुका है। और अब हम इसको बॉईल करेंगे ताकि हमारा मिल्क प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाए और हमारी पिंक टी सही तरह से रेडी हो जाए। आप देख सकते हैं कि हमारी पिंक टी रेडी है। अब हम इसको बॉईल करेंगे, थोड़ी देर पकाएंगे दूध के साथ, और फिर हम पिस्ताशियो और आलमंड्स, हम दोनों इन ड्राई फ्रूट्स को बारीक कूट कर और साथ सर्व करेंगे। बहुत मज़े की बनती है, लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी और कैसी आपकी बनी, ताकि मुझे आइडिया हो। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आई वुड लव टू गिव यू गाइस एडवाइजेज
and to guide you how to cook, how to make nice and unique dishes. Thank you so much. Enjoy. Aur khush rahein, sabko khushiyan baantein. Allah Hafiz.